So in this video, we will practice NEET previous year questions, okay? So first we have this chapter, that is the living world. So in this chapter, here is the question which comes in the year 1988, okay? So first question, static concept of species was put forward by, option is Dekendall, Linnaeus, Theophrastus or Darwin. So the answer will be what? Linnaeus, right? So Carolus Linnaeus introduced binomial system of nomenclature in his books, Species Plantarum. He said that there can be variation within species, but they do not change from one species to another. Okay, so second question, first question ye pooch raha hai, first question mein ki static concept of species was kisne put forward, kisne diya tha, kisne introduce kiya tha. To first Carolus Linnaeus ne introduce kiya tha binomial system of nomenclature in his book Species Plantarum. So he said that there can be variation within species, but they do not change from one species to another. Second question, the term new systematics was introduced by, so this comes in your comes in AIPMT, I think tab AIPMT hota tha, to 1988 mein, right? Kisne introduce kiya new systematic? So second ka your answer will be C, Julian Huxley. The term new systematics was given by Julian Huxley, 1940. Characters of plants collected through different branches of science are considered, example, ecology, physiology, biochemistry, cytology, genetics, etc. Okay, so new systematics kisne diya? Julian Huxley ne diya. Ye yaad rakhna hai aapko. Third question kya pooch? Third question is classification given by Bentham and Hooker is. क्लासिफिकेशन जो बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो किसने दिया? तो थर्ड ऑप्शंस आर आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, न्यूमेरिकल. थोड़ा सोचो, बहुत इजी है क्वेश्चन, ठीक है. स्टैटिक कॉन्सेप्ट किसने दिया? लीनियस ने दिया. न्यू सिस्टमैटिक किसने इंट्रोड्यूस किया? जूलियन हक्सली ने. क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, ऑप्शन विल बी बी, नेचुरल. ओके, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर हैज गिवन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सो इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर नेचुरल रिलेशनशिप आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, विच हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज इन अ ग्रुप एंड कंपेरेबल डिफरेंसेज विद अदर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट. जैसे मैमल्स आर कैरेक्टराइज बाई एग्जाम्पल बाई द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, ईयर, विविपैरी, फोर चेम्बर्ड हार्ट. सो नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है वो जॉर्ज बेंथम एंड हुकर ने दिया है. देन है फोर्थ, सो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज फर्स्ट यूज बाय, किसने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया फर्स्ट? ये क्वेश्चन आया था 1989 में. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच may come in your next NEET 2021, okay? So इसका आंसर हो जाएगा फोर का सी हो जाएगा, प्लाइनी द एडलर ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ टैक्सोनॉमी. पहले के दिन में जो सोल क्राइटेरिया था क्लासीफाई करने का प्लांट एंड एनिमल, वो सिर्फ क्या, जो हम कैरेक्टर ऑब्जर्व करते थे नेकेड आई से, वही एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम लोग क्या करते थे, क्लासिफाई करते थे प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो थियोप्रास्टस गेव नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ 480 प्लांट्स इन हिज बुक हिस्टोरिया प्लांटारम ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट, बट प्लाइनी द एडलर इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन हिज बुक हिस्टोरिया नेचुरलिस. ही क्लासिफाइड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है. तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा प्लाइनी द एडलर. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने यूज किया फर्स्ट? प्लाइनी द एडलर. ओके, नाउ कम्स एट्थ क्वेश्चन, सॉरी, लीनियस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड फर्स्ट ऑप्शन इज मोनोमियल, वर्नाकुलर, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल. वॉट विल बी योर आंसर? लीनियस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड, क्या हो जाएगा लीनियस ने, कैसा एक नोमेनक्लेचर का? तो वेरी इजी, क्या होगा, सॉरी, यस, आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है.
system of classification used by Linnaeus, artificial system of plant classification, which was based on sexual characters. It is commonly also called as sexual system of plant classification. ठीक है, तो ये है artificial system. Sixth है, Linnaeus evolved a system of nomenclature called, Linnaeus ने कौन सा system of nomenclature दिया, ठीक है, evolved. इसका हो जाएगा binomial. The first scientific attempt to name the organism was polynomial nomenclature, which consists of number of words. ठीक है, नेक्स्ट है, इसको ओवरकम करने के लिए क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आया, द सिस्टम टू सिक्स का सी बाइनोमियल. देन है बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन इज सेवेंथ क्वेश्चन. बेसिक यूनिट क्या है, या बेसिक यूनिट क्या है टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन का, स्पीशीज, किंगडम, फैमिली, वैरायटी, क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, स्पीशीज. ठीक है, स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट फॉर अंडरस्टैंडिंग टैक्सोनॉमी दैट ऑक्यूपाइज अ की पोजीशन. इट इज डिफाइंड एज अ डायनामिक जेनेटिकली डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच रिसेंबल ईच अदर इन ऑल रिस्पेक्ट एंड फ्रीली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. सो फर्स्ट वन इज स्पीशीज. बेसिक यूनिट क्या है टैक्सोन या टैक्सोनॉमी का, क्लासिफिकेशन का, तो स्पीशीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आ चुका है 1990 वाला क्वेश्चन. देन है अ टैक्सोनीज, टैक्सोन, व्हाट डू यू मीन बाय अ टैक्सोन? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग. क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग. ठीक है, टैक्सोन इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, employment of hereditary principles in the improvement of human races. hereditary principle ka employment kis ke improvement ke liye, human race ka jo branch hai usko kya bolte hain, theek hai, isko hum kya bolenge? to eugenics, iska answer ho jayega b, eugenics. eugenics is the science that deals with factors such as principle of genetics related to improvement of human race. improvement of races positive eugenics and if factors impairs then it is negative eugenics. ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, जो human condition है life का वो improve हो जाएगा and the environment of human well-being. okay, both. next है 10th question, and this comes in the year 1991. an important criterion for modern day classification is, important criterion क्या है for modern day classification, कौन से criteria के basis पे हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे? तो इसका हो जाएगा आंसर क्या होगा, रिसेम्बल्स इन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स, ब्रीडिंग हैबिट्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. विच वन विल बी द आंसर? मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन जो है वो न्यू सिस्टमैटिक्स और बायोसिस्टमैटिक्स जो बी है, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स, दिस इज द करेक्ट आंसर. एंड जो डिफरेंट डिफरेंट स्टडी है, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी, ये उसके ऊपर बेस्ड है. ठीक है, सो टेंथ का आंसर विल बी एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स, ये मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन में यूज होता है. सो आई होप गाइज, तो आज इस सेशन में टेंथ क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग टेंथ आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ठीक है, सो आई होप गाइज, यू नो आई एम वेरी मच न्यू टू दिस चैनल, तो अभी वही अभी हम उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है मेरा, तो अगर आप मेरा काम आपको अच्छा लग रहा है तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना. ठीक है, थैंक यू, टेक केयर.